हमें सर भूतानी यंत्र उड़ानी मारे। वो जो परमात्मा है, वो जो ईश्वर है, सबके हृदय में बैठा हुआ है। परमात्मा हमसे दूर नहीं है। परमात्मा को खोजने के लिए हमको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब तो स्पष्ट कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावा, ना कैलाश। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, परंतु हम सबका सबसे बड़ा दुर्भाग्य, हम परमात्मा को अपने से दूर मानते हैं। परमात्मा दूर नहीं है, हमारी जो धारणा है होता क्या है, वास्तविकता क्या है। परमात्मा के विषय में कहा जाता है, उपद्रष्टा अनुमंता च भक्ता भोक्ता महेश्वर। वो जो परमात्मा है, उपद्रष्टा है, साक्षी भाव से सारी सृष्टि को देख रहा है। जग देखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। तो सार्वभौम अस्तित्व जो है, इसका जो साक्षी है, आप सोचते हो कि हम दृष्टा हैं, हम देख रहे हैं, परंतु वास्तविकता देखने वाले आप नहीं हो। आपके अंदर जो चेतना काम कर रही है, जिस चेतना के द्वारा आपके मन बुद्धि चेतन बने हुए हैं, उस मन बुद्धि की चेतना से इंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्री, पांच कर्मेंद्री, ये चेतन और आप सब अच्छे ढंग से समझते हैं कि बिना चेतना के ये शरीर जो है मुर्दा हो जाता है, शव हो जाता है। वो परमात्मा जो है, साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से, कूटस्थ भाव से सबको देख रहा है। उसकी एक दूसरी विशेषता बताते हैं, अनुमंता च। वो सारी सृष्टि के में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उनका अनुमोदन कर देते हैं। पापी कहता है कि हम इस प्रकार से अधर्म के द्वारा अर्थोपार्जन करेंगे, परमात्मा उसको रोकता नहीं। परमात्मा कहता है, ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी धारणा है कि झूठ बोलने से, भ्रष्टाचार से, पापाचार से अर्थोपार्जन हो सकता है, तो करके देख लो। और आप सब अच्छे ढंग से समझते हैं कि अगर गलत ढंग से धन कमाया जा सकता, तो जितने ये गलत काम करने वाले लोग होंगे संपूर्ण विश्व में, वो धनाढ्य हो गए होते। परंतु ऐसा नहीं देखा जाता। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप सब जानते हैं, एक बच्चा जन्म के समय एक बहुत बड़ी पूंजी का मालिक बन जाता है। उसने कौन सा कर्म किया, कौन सा पाप किया? अगर पाप से, झूठ बोलने से, अधर्म से अगर अर्थोपार्जन होता है, तो उस बच्चे के विषय में आपने क्यों नहीं कल्पना की कि वो बच्चा कहां से ये सब धन पा गया? और ये सुनिश्चित है कि अगर किसी व्यक्ति को सुख संपदा ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, तो उसने सही धर्माचरण किया हो। बिना धर्माचरण के ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि बहुत से व्यक्ति वर्तमान में अनाचार पापाचार कर रहे हैं और उनके पास बहुत सुख संपदा है,
उनको विचार करना चाहिए। हमारे जो पूर्व इतिहास है, रावण बहुत अत्याचार अन्याय किया, फिर भी वो इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्य भोग रहा था। हम रावण के उस काल को देख रहे हैं जिसमें वो पापाचार कर रहा है। हम रावण के उस 10,000 वर्ष तक जो उसने कठोर तपस्या की थी उसको नहीं देखते। रावण ने जो पूर्व जन्म में सदाचरण किए थे उसको हम भूल जाते हैं। तो ये समझ लेना चाहिए कि जो भी सुख संपदा है, ऐश्वर्य है, धर्म से ही मिलता है। मति कीरत गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आनुभाव। लोक में और वेद में इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं, कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर व्यक्ति सदाचरण करता है तभी उसको सुख संपदा मिलती है। अन्याय से, भ्रष्ट आचरण से कोई सुखी होना चाहे नहीं हो, परंतु परमात्मा जो है अनुमंताचर, वो किसी के भले और बुरे में सहयोगी नहीं हो। फिर एक प्रश्न उठेगा कि परमात्मा अगर भले बुरे में हस्तक्षेप नहीं करता किसी प्रकार से, तो हमको परमात्मा की जरूरत क्या है? परमात्मा जो है उसका दो स्वरूप है, एक निर्गुण निराकार, एक सगुण साकार। जो परमात्मा का निर्गुण निराकार स्वरूप है वो किसी प्रकार से किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। कोई कहता है परमात्मा नहीं है, परमात्मा कहता है ठीक है, नहीं है कोई बात। कोई कहता है नहीं, परमात्मा सातवें आसमान पे बैठा है, भगवान कहते हैं ठीक है सातवें आसमान पे। कोई कहता है कि परमात्मा द्वारका में है, कोई कहता है कैलाश में है, कोई कहता है साकेत में है, कोई कहता है वैकुंठ में है। परमात्मा कहते हैं ठीक है, जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना है। हम सब उस परमात्मा को जो तटस्थ कूटस्थ ब्रह्म है उसको अपने हृदय में प्रकट करते हैं। भगवान शंकर ने पार्वती जी को बताया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो जो परमात्मा है संपूर्ण सृष्टि में समभाव से स्थित है। अगर उसको प्रकट करना है, उसको सगुण साकार रूप में लाना है, आप जरा इसको समझें। एक काष्ठ, लकड़ी काष्ठ, उसको हम अपने हाथ में लिए हैं, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर उस काष्ठ में जो छिपी हुई अग्नि है उस अग्नि को हम प्रज्वलित कर दें तो हाथ में है उष्मा, गर्मी और इतना ताप लगेगा कि हम उसको पकड़ नहीं सकते। अग्नि है काष्ठ में परंतु वो छिपी हुई है। इसी प्रकार से वो जो परमात्मा है सब जगह विभू रूप में व्यापक है, परंतु प्रेम के द्वारा उसको प्रकट किया जा सके, प्रकट किया जा सके। अब ये एक ऐसा विषय है जिसको समझना, अगर महीनों तक हम समझने की कोशिश करें तो भी